खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान, गरीबी के निशान, हमारे जवान देश के साथ। उरई जालन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शांति नगर के छात्रावास में यातायात सप्ताह के तहत यातायात के नियमों को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि यातायात प्रभारी राकेश सिंह ठाकुर, उनके सहयोगी कांस विनी दुबे, विकास मिश्रा आदि रहे। वहीं संचालन का दायित्व तो वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश सुदैनिया ने निभाया। गोष्ठी की शुरुआत अतिथियों के द्वारा सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उनके पूजन अर्चना से की गई। इस दौरान यातायात प्रभारी राकेश सिंह ठाकुर ने कहा कि आप लोग अपने जन्मदिन पर उपहार में पिता से हेल्प मांगे, साथ ही उनसे वचन ले कि जब वे बाइक से बाहर जाएंगे तो हेलमेट पहन कर ही जाएंगे। उन्होंने संकेतों, जेब्रा क्रॉसिंग व ई चालान की भी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान नमन नामदेव, दिवांशु लाचका, शिव नारायण कौरव, शिवांशु ठाकुर ने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा। पैसा अगर आपके पास है तो पैसा नहीं दिया जाएगा, नहीं है पैसा तो आपके घर चालान दे दिया जाएगा और आपको पैसा देना ही पड़ेगा। पहले लोग क्या करते थे कि नहीं काटा, नहीं आपका डॉक्यूमेंट लिया तो आप चले जाते थे और नहीं हो पाता था, पैसा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, आपका रिकॉर्ड यहाँ से लखनऊ तक रहेगा कि आप भर के गए हैं या कैसे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर न जानकारी हो तो आपको, आप कोई बच्चा सीखना चाहता है, जानकारी करना चाहता तो बताइए। जानकारी है ई चालान के बारे में, किसी बच्चे को नहीं जानकारी है? अच्छा, मैं एक बात बोल के दिखा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर हुआ उसके अनुसार जो है सभी प्रदेशों में ई चालान सिस्टम लागू हो गया। ठीक है, ई चालान सिस्टम का एक ऐप है, वो केवल आरटीओ और पुलिस के पास ही है। केवल आरटीओ चालान करेंगे और पुलिस चालान करेंगे। ये ई चालान देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? ई चालान का सिस्टम यही है। ई चालान जो हो रहा है वो आपकी गाड़ी का जो नंबर है उसके अनुसार उसका इसमें डाला जाएगा और वो सारी चीजें भरी जाएंगी और भरने के बाद आपके यहाँ चालान भेज दिया जाएगा। और यदि आप पैसा नहीं भी है तो आपको पेंडिंग कर दिया जाएगा। इसमें मेरे पास ये है, स्लिप जो है इससे निकलेगी, जैसे आपका चालान होगा वैसे इससे स्लिप निकाल के हम आपको दे देंगे। एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, इसमें एक बात आपको बता दे रहा हूँ, आपके घर में कोई एक बच्चा बताया जिसके यहाँ बाइक का नंबर हो? बाइक का नंबर याद है किसी को? एक मिनट जरा यहाँ आओ, आपको दिखाएं। इससे आप कुछ बच्चों को अपने आप बता देना। ठीक है, ये जैसे ये सिस्टम है, इसमें आप नंबर डालोगे, आपका नंबर, गाड़ी नंबर क्या है? 93AC 0 05 95। ऑन करेंगे नहीं दे रहा है ये, और किसी बच्चे का या साहब आपको
अपना नंबर बता दिया, देखा हुआ जो जिसको मालूम हो उसका मांगे देखो राम ने बताया, देखो इनका डाटा ले लिया ठीक है, गाड़ी का नंबर और नाम आ गया, ये आपका मनोज कुमार तिवारी नाम है ठीक है, मनोज कुमार तिवारी नाम है, इसमें पूरा गाड़ी नंबर से ही आ गया ठीक। अब इसके अनुसार जो है इनका चालान इनके घर पहुंच सकता है, वो इसमें आएगा और इनके घर पहुंच जाएगा ठीक। अच्छा अब इनकी फोटो भी इसमें ये एप दी हुई है फोटो इनकी खींचने के लिए ठीक है, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, जैसे आप भाग रहे हैं गाड़ी निकाल रहे हैं तो इसमें आप दूर से क्लिक कर लेंगे आपकी फोटो आ जाएगी, ये नहीं कि आप तीन सवारी जा रहे हैं आप जैसे चाहे वैसे चला रहे हैं तेजी स्पीड निकल रहे हैं ऐसा नहीं हो पाएगा, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको नियमता चलना पड़ेगा। अभी तो ये मार्गदर्शन आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोगों को बताया जा रहा है, और जब आप इसका गलत करेंगे तो आपको इसका पनिशमेंट मिलेगा, हेलमेट पे 500 रुपया जुर्माना कर दिया सरकार ने, आप गलत रॉन्ग साइड चल रहे हैं या आप गलत पार्किंग कर रहे हैं तो इसका भी जुर्माना बढ़ गया है, अब 500 रुपया गलत पार्किंग करने पे, तेज स्पीड में निकालने पे 1000 रुपया जुर्माना कर दिया गया है, तो ये सारी व्यवस्थाएं दी गई ठीक है। और इसमें प्रिंट आप जैसे मान लिया पकड़ लिए गए, आपने कहा साहब मेरे पास पैसे नहीं है हम तो नहीं दे पाएंगे, तो उसका भी इसमें वो दिया गया है कि पैसा नहीं है तो आप पेंडिंग मोड कर देंगे और आपके पास दे देंगे, आप जब इच्छा हो तो आप जमा कर सकते हैं ठीक है, ये नहीं आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, 7 दिन में आप जमा करेंगे तो जमा करेंगे और नहीं तो फिर आपका जो है सम्मन न्यायालय से आएगा ठीक है। अब ये देखो ये जैसे दिया है ये दिया है, अब देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ठीक है, यहाँ क्लिक करता हूँ और इससे इनका चालान चालान निकलेगा देखो ठीक है, ये निकला निकला, ये जितना डॉक्यूमेंट है जितना आपने अपराध किया उसका ये पूरा डिटेल्स आ गया ठीक है, ये जितना है जितना अपराध किया ये डिटेल्स आ गया ठीक है, ये सारी चीजें इसमें सिस्टम है। कोई बच्चा अच्छा जानकार पढ़ने वाला है, इसमें देख लो आके, हम किसी दूसरे के तुम भैया का चालान मैंने नहीं किया है, हमने दूसरे के चालान निकाला है जिसका मैंने किया है, तो आप देखना चाहते देख लें आके पढ़ लें आके और जरा ये बता दीजिएगा आके कि मैंने चालान का किया था और कहाँ कहाँ क्या लोकेशन है UP 92 86 79 vehicle number, UP 1 AP 85 79 vehicle class, NIL, location Urai, officer colony Urai, Uttar Pradesh 28 पिन कोड नंबर 28 5001 इंडिया, लाल लेटर टाइप ड्राइवर, ऑनर नेम मोहम्मद अज्जू, ऑनर एड्रेस बल्लभ नगर उरई जालौन, ओनर मोबाइल नंबर 63 87 72 48, ऑनर फादर्स नेम समरुद्दीन, ड्राइवर नेम अब्दुल रहमान, ड्राइवर एड्रेस ताकीद उरई जालौन, ड्राइवर मोबाइल नंबर 88 58 37 17 93, ड्राइवर फादर्स नेम LT मोहम्मद हुसैन, ऑफेंस कमिटेड ड्राइविंग टू वेट विदाउट हेलमेट, PM रूल्स 1998 रूल्स, चलान अमाउंट इन 500 कैश,
प्लेस ऑफ डिपॉजिट एनआईएल डॉक्यूमेंट में डिफॉल्टेड फ्रॉम द डिफॉल्टर विटनेस नेम एनआईएल रिमार्क्स एनआईएल अकाउंट नंबर है इसमें किसी का डिटेल छुट्टी है देखा गाड़ी इसमें गाड़ी चालक का नाम गाड़ी मालिक का नाम उनके पिता का नाम उनका मोबाइल नंबर उनका गाड़ी नंबर सारी डिटेल्स हैं इसके बाद जो है कोई डिटेल बकाया नहीं रहती ये या तो जिसकी गाड़ी मैंने चालान किया उसको दे देंगे या नहीं उसके घर पहुंचेगा ठीक है तो ये जी अब आप लोग ऐसा कर करिएगा या अपने दोस्तों को जानकारी दे दीजिएगा कि वो समय नहीं है ठीक है अब जो है सारे सिस्टम बदल गए हैं जैसे जैसे आप लोग आधुनिक होते जा रहे हो वैसे आप लोग पढ़ाई आधुनिक होती जा रही है वैसे ही पुलिस को भी आधुनिक बनाया जा रहा है ठीक है अब आप लोगों को अगर ये किसी बारे में जानकारी पूछनी हो कुछ बच्चे कह देते हैं कि साहब पैसा पुलिस ले लेती है और चलान ले लेती है पैसा क्या करते हो पैसा आप क्या करते हैं और किसी मालूम की जो पैसा लिया जाता है वो क्या होता है पुलिस क्या करती है अपनी जेब में रख लेती है तो देखते हो पुलिस अपनी जेब में रख लेती है क्या वो खर्च कर लेती है अपने काम में खर्च कर सकती है।